तो ACL का कॉन्सेप्ट आगे से हम लोग समझते हैं। ACL क्या है, नोट्स वगैरह में आप लोगों को भेजा गया है, सारी चीजें देख लेना। और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके साथ एक सिक्योरिटी लेयर के साथ ये वर्क करता है ACL। इसकी डिटेल्स मैं समझाता हूँ थ्योरी लेवल पर सारी चीजें। तो हमने यहाँ पे एक लैब डिजाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो ये। और अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल जब एक क्लाइंट मशीन को ऐड किया या एक क्लाइंट मशीन को पिंग कराया, तो एक लोकल एरिया में राउटिंग कैसे इनेबल किया, कैसे काम करने के लिए, सब कुछ आपने देखा। बट अभी मैं इस वाले क्लाइंट मशीन को चाहता हूँ, इस वाले क्लाइंट मशीन को मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेस ना कर पाए या ब्लॉक करना चाहता हूँ। जैसे कि नेटवर्क में क्या है कि अभी तक आपने रिप लगाया या जीआरपी लगाया, ओएसपीएफ लगाया, स्टैटिक लगाया, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई किया, और ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला कि ठीक है, राउटर वन राउटर टू दोनों आपस में पिंग भी करने लगे, प्रोटोकॉल अप्लाई करा सारी चीजें। बट अगर कोई भी अननोन यूजर या अननोन रिसोर्स या अननोन आईपी आपके नेटवर्क में है, या है जिसकी वजह से आपके नेटवर्क में ट्रैफिक भी हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है ना, तो कोई अगर ऐसी आईपी हमें डिटेक्ट होती है नेटवर्क में, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस, उसका उसका जो एक्सेस है अलाउ आर डिनाई कर सकते हैं, या ACL के थ्रू हम लोग एक्सेस लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि हमारे नेटवर्क में किस यूजर या किस नेटवर्क को एक्सेस अलाउ करना और किसको एक्सेस डिनाई करना है, पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सेस लिस्ट बनाएंगे कैसे, अब हम जैसे किस राउटर पर चाहते हैं कि ये वाला पीसी एक्सेस करे, और सेम नेटवर्क का पीसी होने के साथ ये इसको एक्सेस ना कर पाए या हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप अब यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। जो भी हम लोग स्टेप्स लेंगे, जैसे सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, वन आईपी एड्रेसिंग। पहला हमने सारे इंटरफेसेस पर आईपी एड्रेस दे देना है, दूसरा रूट करा देना है, रूट द पैकेट, मतलब एक तरीके का राउटिंग इनेबल कर देना, इनेबल राउटिंग प्रोटोकॉल, मैं सिंपल यहाँ पे ले लेता हूँ, राउटिंग इनेबल कर देना है राउटिंग। एंड देन थर्ड पॉइंट पर आप क्या करेंगे, ACL क्रिएट करेंगे इन सब चीजों के लिए। अब जब भी आप यहाँ पे ACL क्रिएट करोगे, तो ACL आपके दो टाइप्स के होते हैं, जो भी आपका यहाँ पे ACL क्रिएट होगा वो दो टाइप्स का होगा, यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे एक होता है नेम्ड ACL, और नेम्ड ACL में एडमिन कैन क्रिएट नेम लिस्ट टू अलाउ और डिनाई होस्ट। होस्ट को अलाउ या डिनाई करने के लिए हम लोग नेम लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड एबीसी कोई भी एक नाम ले लेंगे। एंड देन एक और हमारे पास ACL होता है, विच इज ऑल अबाउट नंबर्ड ACL, जो कि एनयू एनयू एम नंबर्ड ACL, और यूज्ड क्रिएट ACL विद नंबर आईडी। एक नंबर आईडी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ACL क्रिएट करेंगे, और जिसके थ्रू हम बताएंगे अपने राउटर को कि इस आईपी को अलाउ रखना है और इस आईपी को क्या करना है, ब्लॉक रखना है। ओके, तो ये दो तरीके का ACL हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो अब ये चीज हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे, बट अभी भी ये हमारा कंप्लीट थियरी नहीं हुआ। यहाँ पे एक और थियरी हमें मिलता है देखने को, जो कि है जैसे कि नेम्ड ACL हुआ, ये भी हमारा दो तरीके का ACL होता है, जैसे वन स्टैंडर्ड ACL एंड एक और हमारा होता है यहाँ पे सेकेंड एक्सटेंडेड। ओके,
जो स्टैंडर्ड ACL हमारे पास होता है, ये बोल सकते हो आपकी ये हमारा एक ऐसा ACL प्रोसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनसाइड और इनकमिंग पैकेट फिल्टर होता है, इनकमिंग पैकेट बस हमारा, यानी आने वाले पैकेट पर यानी हमारा जो ACL है अप्लाई होता है। बट जो एक्सटेंडेड ACL होता है, इसमें दोनों तरफ से हमारा फिल्टर अप्लाई होता है, इन एंड आउट बोथ कनेक्शन। इसमें दोनों तरफ से, ना सेंडर और ना रिसीवर, दोनों तरफ से एक दूसरे को कोई डेटा सेंड और रिसीव नहीं कर सकता है। नंबर्ड जो स्टैंडर्ड ACL होता है उसमें अगर करते हैं तो एक तरफ से पैकेट जाएगा और एक तरफ से नहीं, यानी कि इनकमिंग पैकेट ब्लॉक हो जाएगा, आउटगोइंग पैकेट जाएगा। तो हमें दोनों तरफ से ब्लॉक रखना है तो हम लोग एक्सटेंडेड ACL अप्लाई करेंगे। नेम्ड ACL में भी यही सेम चीज होता है, और नंबर्ड ACL जो होता है, स्पेलिंग आप लोग देख लेना, नंबर्ड ACL जो होता है वो भी हमारा दो तरीके का होता है, कि स्टैंडर्ड होता है और एक एक्सटेंडेड होता है। तो हम ये चीज क्या कर सकते हैं, यहीं से इतना कॉपी कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर है, कॉपी पेस्ट कर दिया, दोनों में ये सिमिलर आ जाता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, नाम में तो हमें पता है कि नाम में या नेम्ड ACL अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, लाइक नेम्ड ACL, सो नेम्ड ACL में आपने जैसे कि स्टैंडर्ड ACL लगाना है तो आपने लिख दिया स्टैंडर्ड, STAN स्टैंडर्ड ACL, और कोई भी एक नाम मान लिया दे दिया स्टैंडर्ड XYZ, तो आपका लग गया एक्सटेंडेड ACL। और एक्सटेंडेड लगाना है तो आपने लिख दिया एक्सटेंडेड XYZ, तो आपका एक्सटेंडेड ACL लग गया। ये नाम से बस इस तरीके से आपका हो जाएगा। बट अगर आपके पास नंबर्ड ACL है तो नंबर में 0 से स्टैंडर्ड अप्लाई होगा या 1 से होगा, ये कैसे होगा? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक रेंज डिजाइन किया गया है नंबर्ड ACL में। नंबर्ड, मैं शॉर्टकट थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ACL में जो वैल्यू स्टार्ट होती है स्टैंडर्ड ACL के लिए, STAN स्टैंडर्ड ACL के लिए, वो आपका फ्रॉम 0 to 99 से लेकर कहां से कहां तक होता है? जीरो टू नाइन्टी नाइन, 0 to 99 से लेकर 1300 से 1999 तक होता है। ओके, ये स्टैंडर्ड ACL का होता है। अगर मैं इसमें एक्सटेंडेड ACL लेता हूं तो वैल्यू क्या होता है, 100 से 199 से आपका, या 2000 से 2699, इसके बीच की वैल्यू हम अगर अप्लाई करते हैं तो एक्सटेंडेड ACL अप्लाई होगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये लेंदी है इसको समझना और इस पे काम करना, बट हाँ इजली हो जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ये, और ये थियरी है, ये थियरी है आपका, दो पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चार। इसके साथ फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1, आईपी एड्रेस सभी कंप्यूटर और इंटरफेसेस और राउटर्स पर अप्लाई कर देते हैं, और इनके बीच में हम लोग कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर देते हैं, RIP मान लिया, इनेबल कर दिया, ताकि सभी आपस में पहले कम्युनिकेट हो जाए। राउटर 1 पर आते हैं, CLI मोड, ये हमारा राउटर 1 है एंड ये हमारा राउटर 2 है। ओके, ये तो हम यहां से राउटर 1 पे आते हैं, इनेबल कॉन्फिटी होस्ट R1 इंटरफेस F0/0। अब इतना तो रट गया होगा सभी लोगों को, ACL स्टैंड फॉर पूछ रहे हैं क्या, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, क्लियर? कोई पूछ रहा है क्या ACL का फुल फॉर्म? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, हाँ इतनी देर से मैं बता भी रहा हूँ भाई, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है। ओके चलो, तो मेरा यहाँ पे फास्ट इथरनेट की IP क्या है, इंटरफेस स्पेस F0/0, IP एड्रेस इसका 192.168.0.1.255.255.255.0, नो शटडाउन,
इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0 आईपी एड्रेस और वंस सॉरी 10.0.0.1.255.0.0.0 क्या गलती हुआ, आईपी की जगह आईयूपी हो गया। ओके क्लॉक रेट 6400 ये हो गया। तो मैंने आईपी यहाँ पे क्या दिया, एक बार इसको आईपी एड्रेस 10.0.0.1 क्लॉक रेट मैंने दे दिया इसको 64 इतना और मैंने नो शट डाउन करके ऑन कर दिया। और मैं राउटर रिप लगाना चाहता हूँ तो राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 और नेटवर्क 192 राउटिंग भी इनेबल कर दिया। दूसरे वाले राउटर पर आते हैं, इनेबल इनेबल कॉन्फटी होस्ट R2 F0/0 आईपी एड्रेस सीरियल पोर्ट की आईपी 172.168.0.0 सो स्पेस आईपी रूट एंटर हो गया रिप का कन्वर्सेशन। अब हम इस वाले पीसी से आते हैं और इस वाले पीसी से एक बार इधर के लिए हम रिप्लाई ले लेते हैं डेस्कटॉप पर। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग स्पेस 192 पहले वाले कंप्यूटर राउटर के पहले पीसी से, इस वाले पीसी का मैंने लिया है पीसी नंबर 2 आ रहा है रिप्लाई। अब हम इसका पिंग स्पेस जो भी हमारा सेम कमांड के साथ अगर माइनस टी पहले लगा देते हैं आईपी से पहले एंटर तो ये कंटिन्यू रिप्लाई आता रहेगा, देख रहे हो ऐसे आता रहेगा। तो हम दूसरे वाले पीसी पर आ जाते हैं और इसको सर, थोड़ा ये माइनस टी का क्या मतलब है सर? ये कंटिन्यू रिप्लाई के लिए होता है टर्मिनल पे, ठीक है? ओके सर। अगर जैसे कि अभी चार बार मैसेज आ रहा था ना, चार बार बस रिप्लाई दिखाता आपका, अगर आप चाहते हो वो दिखता रहे तो क्योंकि लैब हम साथ में देखना चाहते हैं या कहाँ पे हमारा पैकेट ड्रॉप हो रहा है, कितने पैकेट के बाद हमारा पिंग नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो एक तरीके का ये मॉनिटर करने के भी काम आता है। और मैं इस वाले पीसी से जो कि देखो पीसी 3 ये वाला है, मान लिया अननोन यूजर का या हमारे नेटवर्क का यूजर है कोई भी हो, बस हमने अगर मॉनिटर किया कैप्चर किया हमें मिल गया तो हम इसको क्या कर लेंगे आगे यूज करेंगे एज अ। तो ये जो बैकग्राउंड में ये जो रिप्लाई आ रहा है ये मैंने पहले वाले पीसी से लिया, ये दिख रहा है ना इस वाले पीसी से, इस वाले से। और इस वाले पीसी का जो रिप्लाई है ये यहाँ पे देख सकते हो, ये अब मैं लेने जा रहा हूं। जैसे पिंग स्पेस हाइफन टी स्पेस 172.168.0.2 एंटर, इससे भी रिप्लाई आ रहा है। तो मैं इस वाले पीसी को पीसी 3 की जो आईपी है जिसका मैं देखूं तो यहाँ पे 172.168.0.3 है, 3 को मुझे ब्लॉक करना है। ओके और ये 2 ऐसे ही सेम नेटवर्क में चलता रहेगा। तो हम आ जाएंगे राउटर 2 पर, तो राउटर 2 हमारे पास है ये। ओके और यहाँ पे हम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, चार लैब इसके अंदर मिलती है हमें ACL के अंदर, तो चारों लैब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड नेम्ड ACL में अप्लाई करता हूँ, या मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि CCN ने एक लिस्ट मैंने बनाया CCN ने नेम से। ओके यहाँ पे क्या लिख क्या रहा है स्टैंडर्ड नेम्ड ACL। ओके तो मैंने आईपी एक्सेस लिस्ट बनाया स्टैंडर्ड और CCNA नाम का एक लिस्ट बनाया और CCNA की लिस्ट में मैं इस वाले आईपी को ब्लॉक करता हूँ 3 को। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा डेनाई किसको आईपी, अगर मैं डेनाई क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो ये पूछ रहा है, आप देख सकते हो होस्ट का एड्रेस दिखाओ या नेटवर्क का एड्रेस दिखाओ। तो मुझे अगर एक नेटवर्क को ब्लॉक कर देना है, पूरा नेटवर्क ही ब्लॉक करना है तो 0 कर दूं, और एक होस्ट को करना है तो उस होस्ट की अगर आईपी मुझे पता है तो मैं इस होस्ट की आईपी लेकर एंटर कर दूंगा, डिनाई हो गया। बट यहाँ पे अभी भी दोनों रिप्लाई ले रहे हैं,
तो हमें अपने राउटर को ये बताना होगा कि हमारा इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन क्या है। तो हम डिनाई, बाकी परमिट एनी, बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, परमिट कर दिया। एनी मतलब क्या होता है, एनी सोर्स होस्ट, बाकी सबको मैंने अलाउ कर दिया। इंटरफेस स्पेस F0/0 आईपी एक्सेस हाइफन ग्रुप स्पेस, मैंने CCNA नाम से लिस्ट बनाया था, और इन, फास्ट इथरनेट हमारा किसके लिए होता है, इनबाउंड कनेक्शन के लिए ना, इन कर दिया। इंटरफेस स्पेस सीरियल 0/0 भी देखो कुछ रिजल्ट दिखा, ब्लॉक हो गया, बट इधर अभी भी रिप्लाई आ रहा है। ऐसे इन आउट दोनों कनेक्शन को आप यहाँ पे ऐड कर दो, इन एंड आउट। अब हमारा एक होस्ट ब्लॉक हो गया। सो दिस वे यू कैन कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड नेम्ड ACL, ओके। एंड एक्सटेंडेड नेम्ड ACL क्या होगा, कैसे होगा, क्यों? तो एक्सटेंडेड नेम्ड ACL हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि राउटर 0, राउटर 1, अब मैं यहाँ पे मैं ACL हटा देता हूँ, अभी जो रिप्लाई नहीं आ रहा है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरे पहले वाले पीसी का है, और ये मेरे पास दूसरे वाले पीसी का एक और पीसी, यहाँ से कहाँ से ऑन है, ये ऑन है, अभी चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से नो आईपी एक्सेस लिस्ट एंटर, नहीं CCNA एंटर, नो आईपी स्टैंडर्ड, हाँ नो आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और CCNA एंटर, ये जिस उससे लगाया था उसी को हम वो कर देंगे, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया था, कहाँ पे गया, हाँ आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, तो हम जस्ट इसी के पहले क्या लगा देंगे, नो, ओके। तो ये याद रखेंगे, किसी भी उसको हटाना है तो नो। अब देखो दोनों रिप्लाई लेने लगा, तो स्टैंडर्ड ACL आपने देखा, अब मैं एक्सटेंडेड लगाता हूँ। एक्सटेंडेड में दोनों तरफ के कंप्यूटर होस्ट को बताना होता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करके ब्लॉक करें या एक्सेस डिनाई करें। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईपी स्पेस एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड एंड CCNA, मैंने दोबारा से बनाया CCNA 1 कर दिया, एंटर कर दिया। अब देखो EXT मतलब एक्सटेंडेड नेम्ड ACL, अब यहाँ पे डिनाई, डिनाई करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड नेम्ड ACL में थोड़ा बड़ा टास्क हमें देखने को मिलता है या ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक क्वेश्चन मार्क, यू कैन कॉन्फ़िगर AHP, IGRP, OSPF, सॉरी ESP, GRE, ICMP, IP, OSPF, TCP, UDP, किसको ब्लॉक करना है, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि ये आईपी पिंग करे, आईपी वगैरह पिंग करे, ICMP भी काम करे सब कुछ, बट TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल से डेटा हमारे PC या हमारे नेटवर्क से ना ले पाए, या हमारे 172 इधर वाले होस्ट से ना ले पाए, जिसको भी मतलब टारगेट जिसको भी आप बनाए, तो ऐसा कुछ अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे PC 0, इसको मैं बंद करता हूँ, ये हमारे पास एक PC है, ये हमारे पास है, तो जिसके भी साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे राउटर 1 वाले पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ आईपी ना ब्लॉक, आईपी ब्लॉक हो जाए, जो भी मतलब सारे ऑप्शन है यहाँ पे, प्रोटोकॉल तक ब्लॉक कर सकते हो, तो मुझे यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं ब्लॉक करना है, मुझे आईपी ही ब्लॉक कर देनी है। तो मैं डिनाई लिखूंगा, आईपी लिखूंगा, अब मेरा आईपी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा के देखो, कह रहा है कि कौन सी आईपी है बताओ, तो मेरा 172.168.0.3 है, इसका सबनेट मास्क बताओ, और क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि डेस्टिनेशन डिटेल बताओ, तो डेस्टिनेशन है मेरा 192.168.0.2 और इसका सबनेट मास्क, ये देखो ऐड हो गया। मतलब डिनाई करा मैंने सोर्स
एज वेल एज डेस्टिनेशन. ओके, एंड उसके बाद परमिट आईपी, कौन सी आईपी, एनी टू एनी. बाकी आईपी को परमिट किया, एनी से एनी को, मतलब आने वाला भी कोई भी हो और जाने वाला भी कोई भी. ठीक है, अगेन इंटरफेस स्पेस F0/0 और आईपी एक्सेस हाइपन ग्रुप GROUP ग्रुप, और आपने ग्रुप क्या बनाया, CCNA1 और क्या था, CCNA1 इन. हो गया ब्लॉक. ऐसे ही आपको इंटरफेस Serial 0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप आउट, सीरियल पोर्ट आउटबाउंड कनेक्शन के लिए होता है ना, आने वाला जाने वाला दोनों पे लगाना है, तो ये कर सकते हैं आप इस तरीके. देखो एक तरफ कम्युनिकेशन हमारा एक्सेसिबल है पहले पीसी के लिए और दूसरे के लिए हमारा ब्लॉक हो गया. ऐसे नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ ऐसे जितने चाहे उतने, जैसे कि और भी कोई पीसी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. लाइक अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप बस यहाँ पे या तो ऐसे करके ऐड कर दो, किधर गया, अच्छा मैं बाहर आ गया हूँ. अगर मैं लिस्ट, मल्टीपल्स ऑफ लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, तो CCNA1 में मैं 2 को भी ऐड कर दिया. अब इधर 172.168.0. ये इनबाउंड आउटबाउंड का कनेक्शन अप्लाई करेंगे, 172.168.0.2 192.168.0. इसके लिए ओके. तो मुझे अगर कंप्लीट नेक्स्ट नेटवर्क लेना है, इतना करने के बाद परमिट आईपी एनी टू एनी, एक बार मैं जरा सा देखूं, एक सिंगल होस्ट करके हो रहा है क्या. तो मैंने यहाँ पे दूसरे होस्ट का सही दिया है ना डिटेल्स. देखो CCNA1 की ही लिस्ट में मैंने 2 वाले को भी ऐड किया और इंटरफेस स्पेस F0/0 और जिसका इनबाउंड आउटबाउंड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ. F0/0 हमारा इन है और ऐसे ही हमारा Serial 0/0 आउट है. तो क्या ब्लॉक हुआ दोनों, नहीं हुआ ना. तो कैसे कर सकते हैं, एक बार आप अपना नो स्पेस आईपी स्पेस एक्सेस लिस्ट कंप्लीट, मैं सारे होस्ट को एक साथ वो करना चाहता हूँ, नो स्पेस आईपी स्पेस एक्सेस ग्रुप एक्सेस लिस्ट एग्जिट करो, नो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड CCNA1, सारे एक्सेस में आ गए. ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे कि एक CCNA2 करके लिस्ट बनाता हूँ. कंप्लीट नेटवर्क ब्लॉक करने के लिए क्या करना होगा, बस डेनाई आगे आईपी, कौन सी आईपी, 172.168.0. ये भी देखने से हमें पता चल जाएगा कि हाँ डेनाई आईपी क्वेश्चन मार्क आईपी 172 क्या है ये. Deny IP 172.168.0 255.255. क्या जीरो वैल्यू काम करेगा, कोई हाँ ना में भी नहीं बोलने वाला. ठीक है, 192.168.0.2 स्पेस 255.255.255.0 एंड परमिट एनी, कोई जरूरत नहीं परमिट एनी नहीं करना है. इंटरफेस स्पेस F0/0 और यहाँ पे आईपी एक्सेस ग्रुप और हमारा ग्रुप है CCNA2 इन. हाँ, तो अगर जीरो वैल्यू लेकर हम काम करेंगे तो
तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर 10 होस्ट को ब्लॉक करना है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 0 रख के पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा कुछ सिंगल होस्ट पे अगर आप कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर दिया आपने। अब एक चीज और यहाँ पे क्वेरी आ रही है कि अगर हम पूरा नेटवर्क ब्लॉक कर देते हैं तो क्या अगर हम 2 को बस अलाउ करना चाहें तो परमिट कर सकते हैं क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, मैं सिनेरियो बना के ये सारी चीजें कर रहा हूँ। यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आ रहा है। तो जैसे कि अब ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है सभी को मैंने ब्लॉक कर दिया, बट मैं चाहता हूँ एक उसमें से अलाउ हो जाए, तो क्या हम एक को परमिट कर दे, तो ऐसा हो सकता है? तो चलो परमिट वाली कमांड देखते हैं। बट परमिट वाली कमांड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आना पड़ेगा इंटर आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड सीसीएनए 2, यही था ठीक। और अब यहाँ पे हम परमिट कर देते हैं आईपी को, अब कह रहे कौन सी आईपी 172.168.0.2 को, वाइल्ड कार्ड बिट पूछ रहा है ये, तो हम यहाँ पे 255.255.0.0 कह रहा डेस्टिनेशन किसके लिए, ठीक है हम 2 के लिए और 255.255.255.0 ये देखो कर सकते हैं। यस सर, आ गया। तो आ गया। अगर हम चाहें कि हमारे पास 10 होस्ट हैं उस नेटवर्क के जो हमारे यूजर हैं, बाकी के अननोन अथॉरिटी या अननोन रिसोर्स से आ रहा है, क्या हम उसको अलाउ कर सकते हैं? तो हम अगर दूसरे वाले की एंट्री यहाँ पे सेम कर दें, अगर ये भी पिंग करने लगे तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि यस हम लोग मल्टीपल सब यूजर को अलाउ कर सकते हैं, राइट? क्लियर सर। ठीक है, तो ठीक है, मैंने पहले ही वाले मतलब कि सिनेरियो में सारा जो डाउट वाले क्वेश्चंस थे कि हम एक को ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं, 4 को कर सकते हैं कि नहीं, वो सब आपने समझ लिया। नंबर्ड एसीएल को अब कॉन्फ़िगर करते हैं सेम कॉन्सेप्ट के लिए, तो हमें ये एसीएल हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सिट नो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड एंड सीसीएनए 2, सभी कम्युनिकेशन में आ गए होंगे। एंड सो स्पेस आईपी स्पेस एक्सेस लिस्ट, इसका ट्रबल शूटिंग मैंने नहीं दिखा है, चलो अभी इसमें दिखा देता हूँ नंबर्ड एसीएल में। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ नंबर्ड एसीएल, तो एक्सेस लिस्ट क्वेश्चन मार्क, अब देखो 0 to 1 से 99 और 100 से 199, ये स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड की वैल्यू यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इस राउटर पर ही बस यही वैल्यू सपोर्ट कर रहा है। तो अब अगर इस वैल्यू को लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10 एक्सेस लिस्ट 10 क्वेश्चन मार्क, कह रहा है कि परमिट करना है या क्या करना है, डिनाई करना है, किसको डिनाई करना है 172.168.0.3 को, ठीक है इसको डिनाई करना है, एंटर कर दो, नहीं काम किया। बट मुझे एक मिनट सर, वो आईपी गलत है, 160.1658 हो गया। हाँ वही एक्सेस लिस्ट डिनाई करना है, डिनाई, ये क्यों नहीं ले रहा है, 10 डिनाई 172.168.0.3 को एंटर, उसके बाद एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी, ठीक है बस ये। इसमें थोड़ा सा कमांड डिफरेंस है, जैसे कि मुझे एक्सेस लिस्ट यहीं पे लेना है और किसको डिनाई करना है आप यहीं पे ऐड कर दो, ठीक, किसको अलाउ करना है परमिट करके एनी कर दो, ठीक है। अब इसके बाद इंटरफेस स्पेस F0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप, और एक्सेस ग्रुप के बाद यहाँ पे मेरा क्या है, ग्रुप 10 है, इन करो, देखो ब्लॉक हो गया होगा, एक तरफ 3 हो गया ना। अब ऐसे आउट वाले को कर देंगे, दोनों तरफ से होना चाहिए ये चीज। एंड अगर मैं इस एसीएल को हटाना चाहता हूँ, नो एक्सेस लिस्ट 10 एंटर, देखो अभी अप्लाई आने लगा, 10 को मैंने हटा दिया, लिस्ट ही हटा दिया। अब मुझे एक्सटेंडेड एसीएल इसी में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा एक्सेस लिस्ट 100,
क्योंकि 100 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या कह रही है कि 100 एंड 199 अप्लाई एक्सटेंडेड ACL। तो मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ एंड डिनाई, किसको डिनाई करना है, अब सारी प्रोटोकॉल्स वही आ गया, मुझे आईपी को करना है क्वेश्चन मार्क, किस आईपी को, 172.168.0.3 को विद सबनेट मास्क, किस आईपी के लिए, 192.168.0.2 के लिए विद सबनेट मास्क, एंटर एंड परमिट एनी, मैं रहने देता हूँ कमांड चलाने के लिए बट आप चला सकते हो, ठीक है, एक्सेस लिस्ट मैं अप्लाई ही कर देता हूँ, कितना टाइम लगेगा, 100 परमिट आईपी एनी टू एनी इंटरफेस F0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप 100 इन हो गया। ऐसे ही सारा होगा, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों की तरफ अप्लाई कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो शायद इसका छोटा सा, पूरी इतनी बड़ी कमांड आपको रिमूव करने के लिए नहीं लगाना है, बट शायद नो स्पेस एक्सेस लिस्ट 100 एंटर, हट गया, बस इतने से हट गया एंड बस ये दोनों हो गया, इसमें हो गया। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो चार लैब इसके अंदर से निकल कर आती है, आप इन चारों लैब को परफॉर्म कर सकते हो। ओके, मैंने लैब का स्टेट नोट्स में भेज दिया है और ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हमारा इसी में आएगा सर ACL का रियल सिनेरियो में सेम होगा सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन रियल सिनेरियो में आईपी नहीं मिलेगी ना, किसको ब्लॉक करना है, कौन सा अनवांटेड रिसोर्स है, कौन ज्यादा पैकेट सेंड कर रहा है, तो फिर हम सर प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक करेंगे। नहीं प्रोटोकॉल्स को, हाँ प्रोटो मैं दिखा देता हूँ पूरी मॉनिटरिंग, ठीक है, ओके सर, एक मिनट का ही तो सेशन है, देख लो आप।